तो साहब चैंपियंस ट्रॉफी का भी मामला है कि पाकिस्तान का इवेंट है, पाकिस्तान उसकी मेज़बानी करेगा, लेकिन अगर भारत नहीं आता तो इवेंट तो एक तरह से हमें ऐसे लगता है कि फीका फीका नज़र आएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान को कड़वा घोंट पी लेना चाहिए अगर भारत इस तरह से आंखें दिखाता है दोबारा से। वहाँ तो जयशाह अगर कह देते हैं कि टीम नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, फिर तो कुछ भी नहीं होता। हाँ। लाला, बड़ी मुश्किलात सामने। जयशाह जो है वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, जबकि उसको पता भी है कि वी आर द होस्ट एंड देन लेट अस डिसाइड ना कि किधर क्या होना चाहिए। तो इतनी तो सह हमारी होनी चाहिए ना कि हम होस्ट हैं। अब होगा क्या, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि अब ये भी सीरियसली कंसीडर हो रहा है कि पाकिस्तान से 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी ले ली जाए। ये तो लिख के ले लो, आपको मालूम है जो हालात है, चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में नहीं हो सकती। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को सक्सेसफुल बनाने के लिए बड़ा जरूरी है कि इंडिया ट्रैवल करे, लेकिन देन अगेन मेरे ख्याल में अगर इंडिया नहीं भी ट्रैवल करती तो अगर वो नहीं भी करते तो नो कंट्रीज बिग इनफ के उसकी एब्सेंस से टूर्नामेंट को कोई बहुत ज्यादा डेंट पड़ेगा। अब अगर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो एक्सप्रेस अखबार के अंदर लिखा हुआ है कि जी हाइब्रिड मॉडल की अभी तक तैयारी नहीं हो सकी है। हाइब्रिड मॉडल फिर आपको होस्टिंग छोड़नी पड़ेगी। काफी ज्यादा मैं समझता हूँ कि अपनी कुर्सी के ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि सारे बोर्ड्स को बिठाए, जितने भी एसीसी के बोर्ड्स मेंबर हैं वो आपस में डिस्कस करें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, और वो एक फाइनल जो भी हो कि क्रिकेट होनी चाहिए। काफी अरसे बाद पाकिस्तान इंडिया दोबारा कहीं ना कहीं तो इंडिया को भी स्टैंड करना है ना, लेकिन अगर बीजेपी की पॉलिसी आप क्रिकेट में लेकर आएंगे तो मेरा ख्याल इसके लिए फिर हमें अपनी मुल्क की और अपनी कौम की एक प्राइड को तो देखना पड़ेगा। ज्यादा उनके जो लोग हैं वो 24 घंटे इंडिया की माला जपते हैं, इंडिया इज ग्रेट। इसमें उनको इंडिया बुरा क्यों लग रहा है? इसमें भी हिम्मत रखो, कहो कि इंडिया ठीक कर रहा है। आईसीसी हो या जितने भी क्रिकेट बोर्ड हो, वो बीसीसीआई के आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं। आपको मौका मिलेगा आप भी यही काम करेंगे, इतना पैसा आता है वहां से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग अब खतरे में पड़ चुका है, क्योंकि बीसीसीआई किसे लेकर और कोई बोर्ड अब ये जाहिर कर रहे हैं कि भाई अगर बीसीसीआई जहां चाहेगा हम वही खेलेंगे। हम पाकिस्तान के साथ हाइब्रिड मॉडल में नहीं खेलना चाहते, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल में आप जानते हैं कि वहाँ पर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये प्लेयर के लिए मुश्किल होता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करके एक टूर्नामेंट खेलना, ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। तो इसीलिए जो बीसीसीआई चाहेगा वही होगा। इसको लेकर अब पीसीबी का माथा घूमने लगा है कि हर एक जो बोर्ड अगर मना कर दे तो चैंपियंस ट्रॉफी तो पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा स्टेडियम बनाने का क्या फायदा हुआ। तो इसको लेकर शाहिद अफरीदी और पूरी पाकिस्तान मीडिया रो रहे हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड पर। तो सब चैंपियंस ट्रॉफी का भी मामला है कि पाकिस्तान का इवेंट है, पाकिस्तान उसकी मेजबानी करेगा, लेकिन अगर भारत नहीं आता तो इवेंट तो एक तरह से हमें ऐसे लगता है कि फीका फीका नजर आएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान को कड़वा घोंट पी लेना चाहिए कि अगर भारत नहीं आता तो पाकिस्तान भी 2026 के वर्ल्ड कप में भारत ना जाए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसा फैसला करना चाहिए अगर भारत इस तरह से आंखें दिखाता है दोबारा से। आप क्या कहते हैं? जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, अपनी ग्राउंड रियलिटी को समझना चाहिए। बहुत ज्यादा जज्बाती फैसले करने की जरूरत नहीं है। जब एशिया कप के मौके पे जयशाह साहब का स्टेटमेंट आया था कि उनकी टीम नहीं आएगी पाकिस्तान, तो थक करके उस वक्त के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब ने स्टेटमेंट दिया वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। अरे भाई, आप अपनी ग्राउंड रियलिटी को समझे। आईसीसी हो या जितने भी क्रिकेट बोर्ड हो, वो बीसीसीआई के आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं। आपको मौका मिलेगा आप भी यही काम करेंगे, इतना पैसा आता है वहां से। तो उनकी अथॉरिटी, उनकी जो सूरत हाल है, उनकी जो अथॉरिटी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसको बस इसी तरीके से लीजिए कि लेकिन सवाल ये उठते हैं ना कि नसीम भाई, ये फिर मामला कहीं ना कहीं पर तो जाकर रुकने चाहिए ना। कि पहले एशिया कप हुआ, उसमें हाइब्रिड मॉडल आ गया, फिर अब चैंपियंस ट्रॉफी पर ऐसी बातें होना शुरू हो गई हैं, तो फिर पाकिस्तान को कोई ना कोई तो स्टैंड लेना चाहिए ना। अगर आपको नुकसान भी होता है, माली नुकसान पाकिस्तान को होता है, तो आपको कम से कम दुनिया को एक मैसेज तो देना चाहिए ना कि भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हम भी तैयार हैं। यार, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि क्रिकेट फीफा, आईसीसी फीफा नहीं है ना आईओसी है। हाँ। कि 210 ममालिक हैं या फिर 10 ममालिक खेलते हैं, 10 ममालिक में एक मुल्क पैसा लेकर आता है तो पता चलता है कि सारे के सारे उसके आगे पीछे ज्यादा मेनली पैसा लाता है तो सब उसके पीछे चले जाते हैं। और आईसीसी की अपनी अथॉरिटी दिखाई नहीं देती, जबकि आईसीसी बॉडी बहुत कमजोर है, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई एक हुकूमत अगर मुदाखलत कर देती है तो उसके बाद उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता कि वो मजीद कोई जो है वो पेशरफ्त कर सके। आप आईसीसी के पास कुछ नहीं होता, सारे क्रिकेट बोर्ड जाके उनके पास बैठ जाएंगे तो वो करेंगे क्या? आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अकलमंदी से, वहाँ तो जयशाह अगर कह देते हैं कि टीम नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, फिर तो कुछ भी नहीं होता। इस पे अगर ज्यादा बात ना की जाए तो बेहतर है कि हमारा इंस्टांस क्लियर है ये पाकिस्तान में ही होगी। भाई पाकिस्तान मीडिया रोज बोल रहा है कि इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रही है और बीसीसीआई इस बार झुक गया है क्योंकि सारे बोर्ड्स पाकिस्तान के साथ हैं, बीसीसीआई अकेला है और सब गारंटी दे रहा है इंडिया। झूठ बोल रहे हो यार, चलो झूठ बोल रहे, बीसीसीआई अकेला हो जाएगा। देखो फिर वही बात है, ये मीडिया वर्सेस मीडिया की लड़ाई तो है नहीं, ये फैन वर्सेस फैन की भी नहीं है, ये बोर्ड वर्सेस बोर्ड और सरकार वर्सेस सरकार है। ये फालतू की बातें हैं कि प्रोपेगेंडा ये वो। ज्यादा उनके जो लोग हैं वो 24 घंटे इंडिया की माला जपते हैं, इंडिया इज ग्रेट। इसमें उनको इंडिया बुरा क्यों लग रहा है? इसमें भी हिम्मत रखो, कहो कि इंडिया ठीक कर रहा। एजेंडे पे चैंपियंस ट्रॉफी कैसे हो सकता है भाई? दूसरी बात, आईसीसी ने तो ये कहा है जी कि बजट, तो आईसीसी को ऑफिशियली किसने कहा है अभी तक कि चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगा? अच्छा जी, आईसीसी ने अप्रूव कर दिया है, आगे बाकी बोर्ड्स को भेज दिया है शेड्यूल, तो भेजना ही प्रोटोकॉल है। आईसीसी को दिक्कत थोड़ी है, बाकी बोर्ड्स को दिक्कत थोड़ी है। मतलब मोमेंट इंडिया विल से, दे विल जंप इन कि ये हमारी सरकार का है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। सेकेंडली, पाकिस्तान मे हैव टू डिसाइड बिटवीन लूजिंग आउट ऑन एवरीथिंग या फिर मेकिंग मनी एंड हैविंग अ सक्सेसफुल चैंपियनशिप। ये तो लिख के ले लो, आपको मालूम है जो हालात है भाई, चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में नहीं हो सकती। अब होगा क्या, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी होपफुल था, इसलिए कोई 12-14 दिन हो गए पीसीबी के एंड से बिल्कुल खामोशी है, बिल्कुल है। अब बीसीसीआई खुद नहीं सामने आ रहा, लेकिन आप देखें कि बीसीसीआई की लाइन जो है वो उनके यूट्यूबर्स टो कर रहे हैं, उनके टीवी चैनल्स बयान कर रहे हैं। कल मैं एक इंडियन अखबार को पढ़ रहा था, अब ये भी सीरियसली कंसिडर हो रहा है कि पाकिस्तान से 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी ले ली जाए, कि भारत के पास पैसा इतना ज़्यादा है कि हर एक उसकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन मेरे ख्याल अनसर्टेनिटी है, ये इतना सादा और आसान केस नहीं है। तो फिर फ्यूचर में जैसे चैंपियंस ट्रॉफी की अभी आप जिक्र कर रहे थे, पहले दुश्मन तैयार बैठा है कि आपसे वो ले लेनी है। इंडिया बहुत बड़ा क्रिकेटिंग ब्रांड है, लेकिन अगर इंडियन टीम अकेले ही मैदान में उतरेगी, उसको हरीफ भी चाहिए ना, और पाकिस्तान जैसा हरीफ जिसकी वैल्यू हो, जिसका जो मैच इंटरनेशनली देखा जाता है उसकी वैल्यू हो। तो चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, लेकिन जो आईसीसी का ये साइकिल अगला देख लें, इंडिया ने बहुत सारे टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं, इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है, इंडिया ने 10 सालों के अंदर एक T20 वर्ल्ड कप करवाना है, इंडिया ने बांग्लादेश के साथ मिलकर फिर एक और वर्ल्ड कप करवाना है। तो 5 या 6 टूर्नामेंट्स हैं जिसकी मेज़बानी इंडिया को मिली हुई है। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान को एक टूर्नामेंट की मेज़बानी मिल गई है तो एक बार तो इंडिया भी तो बड़े दिल का मुजाहरा करे, हर बार हम इंडिया के लिए क्यों खड़े होंगे? कहीं ना कहीं तो इंडिया को भी स्टैंड करना है ना। लेकिन अगर बीजेपी की पॉलिसी आप क्रिकेट में लेकर आएंगे तो मेरा ख्याल इसके लिए फिर हमें अपनी मुल्क की और अपनी कौम की एक प्राइड को तो देखना पड़ेगा, भारत को जाना पड़ेगा या बहुत सॉलिड जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो आईसीसी का इवेंट है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का इवेंट नहीं है, एशिया क्रिकेट काउंसिल का इवेंट नहीं है। तो हमें थोड़ा सा आगे की तरफ भी देखना चाहिए कि जो आईसीसी की क्लॉज है कि अगर कोई भी हुकूमत किसी भी टीम को एनओसी नहीं देती तो आईसीसी कुछ नहीं कर सकता। तो इनडायरेक्टली तो थ्रेट बीसीसीआई कर रहा है ना कि हम चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं होने देंगे। चैंपियन ट्रॉफी की मैं जरूर बात करना चाहूँगा। ओबियसली पाकिस्तान 96 के वर्ल्ड कप के बाद एक बड़ा इवेंट होस्ट करने जा रहा है, बहुत बड़ी बात है, और ये जो एशिया कप की भी होस्टिंग हमें मिली थी, बट अनफॉर्चुनेटली हाइब्रिड मॉडल हुआ और कुछ मैचेस हुए, फिर श्रीलंका शिफ्ट हो गया, उसका बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान को। और जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान का स्टांस इस दफ़ा क्लियर है कि भारत ने आना तो आया जाता है, कि रिलीजन को, पॉलिटिक्स को, स्पोर्ट्स को, इवन आपकी जो स्काफ कल्चर हो, जैसे शोबिस की बात करते हैं, तो इनको इसको सेपरेट रखना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली दूसरी साइड से हम देख रहे हैं कि उनकी तरफ से हमेशा रेजिस्टेंस शो हो रही है, रिलक्टेंट है वो डिसीजन लेने में। पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा होने का सबूत दिया और अपना करेज शो की। जैसे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को सक्सेसफुल बनाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इंडिया ट्रैवल करे, लेकिन देन अगेन मेरे ख्याल में अगर इंडिया नहीं भी ट्रैवल करती, तो अगर वो नहीं भी करते तो नो कंट्रीज बिग इनफ के उसकी एब्सेंस से टूर्नामेंट को कोई बहुत ज़्यादा डेंट पड़ेगा। तो हमारी ख्वाहिश होगी, हम तो चाहेंगे बीइंग फैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इंडिया ट्रैवल करे और उनका मैच बड़ा देखा जाएगा। लेकिन इनकेस नहीं भी ट्रैवल करते तो फिर भी मेरे ख्याल में इट विल बी अ सक्सेस, और जो मिस आउट करेगी वो इंडियन क्रिकेट टीम और इंडिया उनका बोर्ड ही मिस आउट करेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान मीडिया का कहना था, वो भी अब जान चुके हैं कि सब कुछ अब जैसा कि मतलब बीसीसीआई के हाथ में है, बीसीसीआई जहाँ चाहेगा वही चैंपियंस ट्रॉफी होगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का होस्टिंग एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो कि पीसीबी के लिए सरदर्द बन चुका है। सबसे पहले ये बीसीसीआई के लिए नहीं, बीसीसीआई तो अपना सिर्फ गवर्नमेंट लेटर दिखा देगा कि भाई ये रहा हमारा गवर्नमेंट का जो एनओसी, हम नहीं जा सकते। तो इसके बाद सबका सब पीसीबी के ऊपर है, पीसीबी कैसे कराएगा। और आईसीसी आप जानते हैं जहां पर मतलब ज़्यादातर बोर्ड मेंबर जिसके पल्ले में होंगे वहीं पर वो जाएगा। तो अगर बीसीसीआई मतलब बीसीसीआई क्या करेगा, सभी बोर्ड आकर बीसीसीआई के साथ मिल जाएंगे, बीसीसीआई को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान बोर्ड को अभी से सोच लेना चाहिए कि भाई बीसीसीआई के आगे घुटने टेक दे, और जितना ज़्यादा ये मतलब अपने पे आएगा और बीसीसीआई को उल्टा सीधा बोलता रहेगा इनका मीडिया, तो उनके ही खतरे में पड़ेगा बीसीसीआई मतलब चैंपियंस ट्रॉफी, हमारा कुछ नहीं जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।